प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े इसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लगता है आज घर में बारिश होगी। लेकिन बहू, तुझे ऐसी प्रतिज्ञा लेने की क्या जरूरत पड़ गई? अब बापूजी आपने पूछ ही लिया है तो आपको बताकर ही मौन धारण करूंगी। मेरी आवाज से किसी को तकलीफ होती है? किस गधे ने तुझे ऐसा कहा? जरूर जेठिया ने ही कहा होगा। जेठिया! नहीं बापूजी, इसमें इनका कोई दोष नहीं है, ये निर्णय मेरा ही है। आज आखिरी बार आप लोग मेरी आवाज सुन लो। आज के बाद कभी भी किसी के साथ मैं बोलूंगी नहीं, ना ही मैं गाना गुनगुनाऊंगी और ना ही किसी के साथ फोन पर बात करूंगी, यहाँ तक कि मेरी माँ के साथ भी नहीं। और हाँ, ना ही आपको बालकनी से आवाज दूंगी। नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी करके कितना बोल गई। लेकिन बहू, मम्मी, बापूजी, आप और टप्पू मेरी कमजोरी नहीं, मेरी शक्ति बनना। हे माँ, माता जी, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं अपनी प्रतिज्ञा में अटल रहूं। ओ? मम्मी, बहू मेरी बात सुन। अरे वाह दया, वाह, क्या ऐतिहासिक निर्णय लिए तुमने, मजा आ गया। अब इस घर में शांति शांति होगी। बबीता जी, अरे ये जेठा प्रावी ना। बबीता जी, रुकिया रुकिया, बबीता जी, बबीता जी, कैसे हैं? अरे जेठा लाल, पार्टी शार्टी की बात हुई तो भाग लिए? अरे भाई, मैं कहीं भाग नहीं रहा हूँ, दूंगा, बस शांति रखने। बबीता जी, आपको पता है आज सोने का सूरज उगा है। सोने का सूरज? अरे सूरज जब उगता है तब सोए हुए लोग जागते हैं। फिर ये सोने का सूरज ये क्या होता है? सोने का मतलब बबीता जी गोल्ड, गोल्ड का। उस खुशी में बबीता जी मैं एक बहुत बड़ी पार्टी दे रहा हूँ, आपको आना पड़ेगा। जरूर। पार्टी? नहीं नहीं, पार्टी में तो मैं नहीं आ सकती। आपको तो पता ही है ना कि मैं डाइटिंग कर रही हूँ, सो मैंने बाहर का खाना बिल्कुल छोड़ दिया है। लेकिन जेठा लाल, मैं कोई डाइटिंग वाइटिंग पर नहीं हूँ, मैं जरूर आऊंगा। कब है पार्टी? अभी 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर? ओए होए, बल्ले बल्ले। अरे सॉरी, 31 दिसंबर साल का आखिरी दिन। क्या जेठा लाल यार, मूड बना के तुम बिगाड़ देते हो, छोड़ देना यार। ओके बाय, कल। ओके बाय। पर जेठा जी, ये तो बताओ कि आप पार्टी किस खुशी में दे रहे हो? बबीता जी, आज चमत्कार हो गया, दया ने आज से मौन व्रत धारण किया। मतलब? मतलब आज से वो किसी के भी साथ कुछ भी नहीं बोलेगी। क्या? हाँ, और सबसे बेस्ट तो वो बालकनी में आकर मुझे भी कुछ नहीं बोलेगी। क्या टप्पू के पापा आज अपने छेद वाले मोजे पहने हैं? टप्पू के पापा आज अपने छेद वाली बनियान पहनी है? ऐसा कुछ नहीं, आज से मैं आजाद हो गया हूँ बबीता जी। चलो। क्या? किधर? नहीं मतलब, चलो मैं निकल रहा हूँ, ऐसा हो वाला। चलो चलो बाय। चलो
अरे वाह, अभी तक दया का फोन नहीं आया, मतलब उसका मौन व्रत का निर्णय एकदम पक्का है। वाह प्रभु वाह, तेरी लीला अपरंपार है। वाह, अरे नटू काका आज बात ही ऐसी है। मांगो मांगो नटू काका, आज जो भी आपकी इच्छा है मांगो, मैं पूरी कर दूंगा। अच्छा, लेकिन इच्छा व्याजबी होनी चाहिए। ठीक है सेठ जी, आज मुझे आधा दिन की छुट्टी मिल सकती है? क्यों? वो हमारा पद्मावती भोजनालय है ना, उसके आज 10 साल पूरे हो रहे हैं, तो शाम को पूजा रखी है, मुझे वहाँ खास बुलाया है। ठीक है, कोई बात नहीं नटू काका। अरे दे दे छुट्टी दे, बस खुश। थैंक यू। और वो चेक भर दिया कि नहीं आपने? कौन सा चेक? अरे कल वो पार्टी देगे ना 9 लाख का वो। अरे वो चेक तो आपके पास है सेठ जी। अरे हाँ, ले वो चेक तो कल मैंने पैंट पहना था उसकी जेब में रह गया। अरे तो सेठ जी जल्दी दया भाभी को फोन करके पूछिए कहीं पैंट उन्होंने धो तो नहीं दिया, क्योंकि वो पार्टी उठ गई है, हमें जो चेक मिला वो आखिरी था। क्या? अरे बाप रे बाप रे। हेलो दया, अरे कल मैंने जो पैंट पहना था वो तूने धो तो नहीं दिया? ओ, इसका मौन व्रत। ए दया, अभी ये मौन व्रत छोड़, मुझे जवाब दे। अरे वो पैंट में 9 लाख का चेक था, वो भी साथ में। दया, नटू काका मैं जरा घर जाके आता हूँ। हाँ लेकिन सेठ जी, आप दोपहर तक वापस आ जाएंगे ना? फिर मुझे जल्दी निकलना है ना। अरे हाँ भाई हाँ। मेरे भगवान, दे जरा। अच्छा फ्लावर कैसे दिया? 20 रुपए पाओ। हाँ? हाँ? सुनीता तुम भाजी बेचती हो या हमें लूटती हो? बराबर भाव करो ना। आने दो दया भाभी को, सब भाव पता चलेंगे। हाँ। अरे बाप रे, दया भाभी के सामने तो कुछ नहीं बोल पाऊंगी। अच्छा ठीक है, 18 रुपए पाओ लेना। हाँ? हाँ? जो कैसे पलट गई। हाँ अभी तो दया बहन बोली भी नहीं, फिर भी इसने 2 रुपए कम कर दिए। अगर दया बहन बोलेगी तब तू कितने रुपए कम करेगी? हाँ बोल बोल। हाँ दया भाभी आज खबर ले ही लो इसकी। हाँ। अरे कुछ भी भाव बताती है तो। अरे अब बोलिए ना कुछ, अब बोल क्यों नहीं रही हो? दया भाभी नहीं बोलेंगी। हाँ? क्यों? क्योंकि उन्होंने मौन व्रत लिया है। अरे दया भाभी आप और मौन व्रत। हाँ। दया भाभी आप भूल गई, आप एक औरत है और औरत का जन्म सिद्ध अधिकार है बोलना। हाँ। फिर बोले ना दया भाभी। दया बहन, जेठा भाई ने कुछ बोला क्या? दया भाभी आप बिना बात के ऐसे लोगों की जैसे बिना तेल का अचार। हाँ दया भाभी कुछ तो बोलो ना, आखिर बात क्या है? हाँ दया भाभी कुछ तो बोलिए ना, बिना आपके किटकिट सुने हुए मुझे भाजी बेचने में भी मजा नहीं आ रहा है। कुछ तो बोलो कि आप क्या बात क्या हुई, ये तो नहीं बोल रहे हो। दया बबीता जी के। हाय कैसे हैं सब लोग? दया एक मिनट। दया दया, वो पेंट में 9 लाख रुपए का चेक था, तू खाली मुझे इतना बोल कि वो चेक तूने निकाला कि नहीं निकाला पेंट में से। दया ये मजाक का टाइम नहीं है, तेरा मौन व्रत। दया और कुछ नहीं तो कम से कम मुंडी हिला के तो बता कि तूने चेक निकाला है कि नहीं, ऐसे खाली हाँ बोल या ना बोल ऐसे चुपचाप। अरे दया दया तू समझती क्यों नहीं, वो पार्टी उठ गई, अगर चेक धुल गया है तो दूसरा चेक मिलने वाला नहीं है, 9 लाख का नुकसान हो जाएगा। निकल ये चेक। थैंक यू भाई का थैंक यू। ये चेक के लिए दुकान छोड़ के मुझे घर पे आना पड़ा, नॉनसेंस वाइडी नहीं तो।
इतना आउटस्टैंडिंग अमाउंट ये लोग मेंटेनेंस टाइम पे क्यों नहीं भरते? आहो आहो ऐकलं का? हाँ, दया भाभी ने मौन व्रत रखा है। सोसाइटी को एप्लीकेशन दिया था। मौन व्रत के लिए एप्लीकेशन? सॉरी सॉरी, दया भाभी ने मौन व्रत रखा है। हाँ। मौन व्रत मतलब वही ना माधवी जिसमें कुछ बोलते नहीं है। तो बोलने वाला भी कोई मौन व्रत होता है क्या? दया भाभी ने मौन व्रत रखा है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। पर अब क्या होगा? क्या होना है माधवी? अगर नदी को बहने से रोका जाए तो क्या होता है? क्या होता है? पानी अपना रास्ता बना लेता है। हाँ, पानी अपना रास्ता बना लेता है या तो कभी कभी बाढ़ आ जाती है। दया भाभी का बोलना मतलब समंदर है समंदर, और अगर समुंदर को रोका जाए तो सुनामी आ जाती है। अब जेठालाल की लाइफ में बहुत जल्द सुनामी आने वाली है, और उसमें जेठालाल को डूबते हुए देखने का मजा ही कुछ और होगा। वाह, घर में कितनी शांति है। अपो, तेरी मम्मी की किटकिट बंद है तो घड़ी की टिक टिक भी सुनाई दे रही है। ये जेठिया, फिर से तूने बहू को कुछ कहा ना तो थड़क थड़क भी सुनाई देगा तुझे। अच्छा, ये थड़क थड़क किसका आवाज बाबूजी? मेरे दो थप्पड़ का। बहू, जब से तू चुप हो गई है मुझे ऐसा लगता है जैसे पूरा गांव खाली हो गया हो। अरे बापू जी, आप चिंता मत कीजिए, ये दया है दया, ये बिना बोले रह ही नहीं सकती। पापा, मम्मी नहीं बोलेगी। मैंने आज 3 ग्लास तोड़े, बॉल घुमा दिया, फिर शाम को दूध भी नहीं पिया, फिर भी मम्मी ने मुझे कुछ नहीं कहा। दया, तेरी जबान पे लगाम है, हाथ पे तो लगाम नहीं है ना? इसने इतना सब कर दिया तो एक थप्पड़ नहीं मार सकते थे? उसे भी अच्छा लगता। जेठिया, मम्मी प्लीज कुछ बोलो ना, तुम्हारी आवाज नहीं सुनूंगा तो मुझे नींद नहीं आएगी। बोलो, मैं इसकी आवाज सुनता हूँ तो मुझे नींद नहीं आती है, और ये आवाज नहीं सुनता है तो नींद नहीं आती है। अलग अलग रचना किया भगवान ने सबकी। मम्मी, मैंने तुम्हारे लिए कविता बनाई है। मम्मी मेरी मम्मी, तू नंबर 1 है, जब तू बोलती है तब टप्पू की आंखें हंसती है, और जब तू नहीं बोलती तब टप्पू की आंखें रोती है। उसमें रोने का क्या? ये बबूचक जेठिया, एक बात कान खोल के सुन ले, अगर कल तक बहू नहीं बोली ना तो मैं तेरी बोलती बंद कर दूंगा। ये भगवान, क्या मुसीबत है। चलो जेठालाल, नेता साहब के पास जाना ही पड़ेगा। जीन तैयार रहो, अल्लाह दिन आ रहा है। 100 बात की एक बात जेठालाल, गलती तुम्हारी है। अरे थोड़ा बहुत टोकना समझ में आता है, लेकिन इस बुरी तरह डांटना किसी को नहीं। अरे वो इतनी बड़ी गलती करो, मैं डांटू भी नहीं जेठालाल। चलो ठीक है, मान लिया मेरी गलती है, अभी क्या करूँ वो बोलो। क्या यानी दया भाभी अब किसी के साथ बात ही नहीं करेगी? हाँ। देखो ना, हम लोग कितनी मुश्किल से दया बहन को मना कर नीचे लेके आए। दया भाभी प्लीज प्लीज मान जाइए ना, जिद छोड़ दीजिए, बात कीजिए ना प्लीज। हाँ दया भाभी, देखिए आपकी नाराजगी जेठा भाई से है ना, तो हम लोगों से क्यों नहीं बात कर रही है आप? हाँ तो देखो जेठालाल, औरतें बहुत मासूम होती हैं, साफ दे, जितनी जल्दी उन्हें गुस्सा आता है उतनी जल्दी शांत भी हो जाता है, सिर्फ प्यार से मनाने की देर है। पहला मौका मिलते ही दया भाभी से प्यार से बात करो और मना लो। चलो कोशिश करता हूँ। आओ। समझ गया मेहता साहब, ठीक है ना? All right, all the best then. Thank you. अरे एक मिनट जेठालाल, तुम अभी चले जाओ और बात कर लो दया भाभी से। अभी सबके सामने? अरे सबके सामने ही सही मौका है, हो सकता है अकेले में जब तुम बात करो तो वो शायद ना करे, लेकिन सबके सामने इनकार नहीं कर पाएंगी, लिहाज रखेंगी और बोल पड़ेंगी। ये आपका आइडिया एकदम बढ़िया है मेहता साहब, मैं अभी जाकर बात करता हूँ। ऑल द बेस्ट। हाँ। दया भाभी प्लीज ये सब छोड़ दीजिए, बात कीजिए ना प्लीज। और क्या बातें हो रही है?
मेरे आने से आप लोगों के रंग में कहीं भंग तो नहीं पड़ गया? दया मैं क्या कह रहा, चलो मिलते हैं फिर। दया मेरी कोयल कू कू, मुझे तो आता भी नहीं है, तुम बहुत बढ़िया करती हो। ओ, तुम कैसे करते हो कू कू, मुझे तो आता ही नहीं है। अरे दया कितने दिनों से एक बात तुमको पूछनी है, वो भूल ही जाता था मैं। अच्छा वो अभी याद आया, वो मैं तुम्हारे फेवरेट हीरो का नाम भूल रहा हूँ। अरे तुम नहीं कहती थी मैं उसके जैसा ही दिखता हूँ? अरे वो, अरे इसने तो झड़बे सलाक मौन व्रत धारण किया है, बिल्कुल ढीली नहीं दे रही है। बेस्ट आइडिया, सुंदर की बात छेड़ता हूँ, अपने वीरा का नाम सुनते ही लाडली बेना फटाक से बोलने लगेगी। अरे दया वो सुंदर के क्या खबर है, बहुत दिनों से आया नहीं मुंबई को स्कीम बीम लेके? फोन वोन आता है कि नहीं है उसका? चलो एक काम करता हूँ, फोन लगाता हूँ, तुम भी बात करो मैं भी बात करता हूँ। दया चल गोला खा के आते। कई बार मुझे लगता है मेरे दोस्त जेठालाल की किस्मत भी है ना, पता नहीं कैसे लिखी गई है। अगर वो गुलाब का फूल भी सूंघने जाए ना तो अंदर से मधुमक्खी निकल के नाक पे काट खाएगी। स्थिति कैसी है देखिए, दया भाभी ने मौन व्रत धारण कर लिया, जेठालाल को लगा बहुत मौज हो गई, भाई आफत चल गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर सोचा जेठालाल ने कि यूं बना लूंगा, यूं बोल पड़ेगी, लेकिन दया भाभी भारतीय नारी कभी ना हारी, एक भी शब्द बोलने को तैयार नहीं है। और इधर चाचा जी गुस्से के अंदर है, जैसे लव ट्रायंगल होता है ना, इधर ये कॉमिक ट्रायंगल हो गया है, और हर ट्रायंगल से निकल रही है एक ही चीज, हंसी। हंसते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा में मेरे साथ। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.